चंद्रमा के खत्म होते ही अषाढ़ मास समाप्त होने के बाद शिव और उनके भक्तों का प्रिय सावन महीना शुरू हो गया। इस पूरे महीने में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ के हाथों में विराजमान त्रिशूल के बिना उनका श्रृंगार अधूरा रहता है। शास्त्रों में त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, लेकिन इसे इतना महत्व आकर क्यों दिया जाता है? आइए जानते हैं कि त्रिशूल के बिना शिव की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। शास्त्रों में बताया गया है कि त्रिशूल को भगवान शिव का अहम शस्त्र माना जाता है। त्रिशूल की पूजा करने को शिव की पूजा करने के बराबर माना गया है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक सावन माह में त्रिशूल की पूरी विधि विधान से पूजा करने वाले लोगों पर भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। माना जाता है कि सावन महीने में त्रिशूल दान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने के लिए भगवान शिव त्रिशूल के अलावा डमरू भी धारण करते हैं। पुराण में प्रचलित कथाओं में बताया गया है कि शिव ने कैलाश पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया है। कहा जाता है कि शिव जी खूंखार जानवरों से बचने और पर्वतों पर चढ़ने के लिए त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव असुरों के संहार करने के लिए भी त्रिशूल का प्रयोग करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।